अशोक भूषण के नेतृत्व में कमिटी रिजर्वेशन है कब तक रहेगा, रिजर्वेशन कभी कब तक देते रहेंगे भैया। 1931 में जब हिंदुस्तान आज़ादी से पहले जो सेंसस हुए वही सेंसस आज तक चल रहा, क्यों सरकार नया सेंसस नहीं करते? आज बीसी की आबादी कितना है, एससी का आबादी कितना है, एसटी का आबादी कितना है, माइनॉरिटी का आबादी कितना, अपर क्लास कितने है भाई, 20% है, उनको 10% रिजर्वेशन दिए तो भी हम खामोश बैठे। आज बोल रहे कि भाई रिजर्वेशन कब तक रहेगा, अरे भाई 1993 में मंडल कमीशन लागू हुआ, आज तक हम 9% भी आगे नहीं बढ़ रहे, 10% क्यों बोले तो हमारे ऊपर क्रिमिनल है रहे, पहले 6 लाख का एनुअल इनकम अभी 8 लाख का लगा दिए, कोई सेक्शन ऑफिसर क्लर्क से बढ़ते बढ़ते 80,000 है तो उसका बेटा बेटी को नौकरी नहीं है, ये कहाँ का तरीका है भैया। और सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं जजा कितने है, उनको रिजर्वेशन नहीं होना, सिर्फ अपर क्लास वालों को रिजर्वेशन होना, एस सी एस सी बी सीओं का नहीं होना क्या, महिला के साथ भी अन्याय हो रहा, तो इस वजह से सरकार सोचना चाहिए, इसके ऊपर अमल होना चाहिए, फिर एक मरता 1931 में ये सेंसस हुआ, फिर पूरा सेंसस होना चाहिए देश में, ताकि आबादी हमारा बीसी कितना है, एससी कितना है, एसटी कितना है, माइनॉरिटी कितना, लोग को पता चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा चल रहा। केसीआर तू 1% का आदमी है मगर तू हुकूमत चला रहा, अब हमारे साथ अन्याय हुआ तो तुम बात नहीं करते। रिजर्वेशन के अंदर केसीआर भी बात करना चाहिए, बात करना चाहिए, बात करना चाहिए।